रहीम, ठीक है। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 4, टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल रोलिंग डाउन एन एंगल एरन बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन 2s एंड t स्क्वायर। 2s मीन s क्या है डिस्टेंस, 2s मीन दिस इज का डबल, और t क्या है टाइम एंड टाइम का स्क्वायर। इनके दरमियान हमें ग्राफ ड्रा करना है और ये ग्राफ हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास अपरेटस कौन सा होना चाहिए? अपरेटस मीन सामान। सामान कौन सा होना चाहिए? तो पहले पहले मैंने यहाँ लिखा है कि एंगल एरन 2 मीटर लॉन्ग। ये हमारे पास क्या है, ये एंगल एरन है। कितनी लंबी है? 2 मीटर लंबी एंगल एरन। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 200 सेंटीमीटर लंबी हमारे पास एंगल एरन है। दूसरा उसके साथ हमने क्या लिखा हुआ है कि वी शेप होनी, वी शेप इसकी स्टैंड है, ये वी के साथ उसके साथ हमने उसको खड़ा किया हुआ है साथ, और उसके साथ क्या चीज़ है, स्टील बॉल है, ठीक है। स्टील बॉल मेरे हाथ में है, स्टील बॉल हो गई, और उसके बाद क्या चीज़ है, स्टॉप वॉच, ठीक है। स्टॉप वॉच भी हमारे पास, और इसके साथ एक्सरे कैलकुलेटर भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन करें, और उसके साथ एक ग्राफ पेपर भी होना चाहिए, ठीक है। इसको भी साथ अगर चाहें तो लिख सकते हैं आप, इसके साथ वैसे बुक में नहीं लिखा हुआ, पर ये चीज़ें भी साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बताते हैं कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करना है, इस तरह से एरन को क्या करना है, एंगल एरन को सेट करना है कि एक साइड उसकी थोड़ी ऊपर हो, दूसरे वाली साइड उसकी नीचे हो, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, उसमें एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको अंदर से आपने क्या करना है, पहले इसकी प्रिकॉशन भी है कि सफाई करनी है, अंदर से क्या करनी है, सफाई करनी है, ताकि जो बाल हम इसके अंदर क्या करेंगे, रोल कराएंगे तो बाल क्या हो जाए, कहीं ठहर ना जाए, उसके लिए कहीं मुज़ाहमत और रुकावट नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। इसके लिए सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं बाल को, थोड़ा सा इसको नजदीक लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आपके पास आयरन जो है, ये क्या नाम है, स्टॉप वॉच बिल्कुल रेडी होनी चाहिए, और इसका आपको पता है 3 बटन का, इधर से हम करेंगे बटन दबाएंगे स्टार्ट हो जाएगी, दूसरे बटन पे आप जो है ना दोबारा इधर क्या करेंगे प्रेस करेंगे दोबारा स्टॉप हो जाएगी, और इसको स्टेप करेंगे दोबारा 0 हो जाएगी। फिर दूसरी दफ़ा लेने के लिए, एक दफ़ा पे स्टार्ट, दूसरी दफ़ा पे स्टॉप, इस बटन पे क्या हो जाएगी, दोबारा 0 पे आ जाएगी, रीसेट हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको रीसेट करके दोबारा स्टार्ट करते हैं, और पहले पहले हम लेते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा 50 पे, ठीक हो गया। तो अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ जो है ना, ये अपने जहन में रख लें, थोड़ा सा बोर्ड की तरफ जलाएं ना, मैं चीज़ समझा दूँ। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, बल्कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लें। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s=vit+1/2at2। ये क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें जब हम इस बॉल को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो बॉल स्टार्ट किससे लेगा, 0 से, स्टार्ट 0 से। स्टार्टिंग वेलोसिटी का मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी यहाँ पे हमारे पास वी आई की जो वैल्यू है, क्योंकि बॉल स्टार्ट 0 से लेगी, तो अगर हम इधर वी आई की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो देखो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, वी आई की वैल्यू हो गई 0, आगे हो जाएगा टाइम जितना भी उसको लगता है 1/2 ए टी का स्क्वायर, तो 0 × t 0 × कोई भी चीज़ 0 हो जाती है, तो 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगी 0+1/2 at2, तो 0+ होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी s=1/2 at2। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, लिहाजा एक्सेलरेशन को अकेला करेंगे तो इधर 2 क्या हो रहा है, डिवाइड, और राइट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई होगा s के साथ, तो ये हो जाएगा 2s, और इधर आपके पास क्या रह जाएगा, ए टी का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई हो, राइट साइड पे ले आए, क्यों, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टी स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो रहा, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इधर आपके पास ए रह जाएगा, यानी एक्सेलरेशन आप फाइंड कर सकते हैं 2s/t का स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन क्या है असल में, एक्सेलरेशन यहाँ पे रेशो है किसके दरमियान, यहाँ पे मैं डिस्टेंस इसलिए कह रहा हूँ, वैसे वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल जा रही हो उस वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, 2s/t का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस जितना कवर करेगी उसको डबल कर लेंगे, और टी का स्क्वायर जितना टाइम लगेगा उसको डिस्टेंस को कवर करने में, तो उस टाइम का स्क्वायर करने से, उसके ऊपर डिवाइड करने से जो रेशियो आएगी वो हमें क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी, कि इस बॉल का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट को। याद है आपकी बात की समझ आ गई,
तो स्टार्ट करने के लिए स्टॉप वॉच में ले लेता हूँ और थोड़ा सा क्लोज कर ले। पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं किधर से, इसको स्टार्ट ले लेते हैं 50 से। ठीक हो गया, तो 50 से 50 यहाँ पे कहाँ पे है, सिर्फ 50 ये। ठीक हो गया, तो 50 से यहाँ से मैं इसको, आपने जो भी बाल को छोड़ना है फौरन इधर से बटन ऑन कर लेना। ठीक हो गया, तो ये फौरन स्टार्ट हो जाएगा, नहीं इसको दिखाना। ठीक है, ठीक हो गया, ये आ जाता है हमारे पास 2.4। इसकी वैल्यू आ गई, इसको निकाल लेते हैं। पहले बार इसको निकाल लें ज़रा। ठीक हो गया, एक मिनट, अब इसको हम लिख भी देते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट जो है, फर्स्ट साथ साथ लिखते जाएंगे। पहली ऑब्जर्वेशन नंबर 1 है, इसमें डिस्टेंस कवर किया है, कहाँ से हमने इसको छोड़ा था, 50 से। ठीक हो गया, तो 50 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पे टाइम हमने पास ले लिया, अभी हमारे पास स्टॉप वॉच पे जो टाइम है वो है 2.43। फिर हम दोबारा इसी 50 से ले लेते हैं, दो दफ़ा वैल्यू ले लेते हैं ताकि अगर कोई गलती हो तो वो क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। अब दोबारा 50 से फिर स्टार्ट करते हैं ताकि जो गलती होगी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि स्टार्ट करते वक्त ये 50 हो गया। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। 2.75 ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास क्या आ गई, 2.75। फिर हम तीसरी वैल्यू ले लेते हैं इसकी, इसको साथ दिखाया करो, जाते हुए इसके अंदर से जो है। अच्छा, अब हम इसको दोबारा ले लेते हैं 50। ठीक है, तो ये हमारे पास 2.72 वाला है। अब इसकी हम क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज हमारे पास क्या आएगी, इन तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे। एवरेज किस तरह लेंगे, तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास पहला है 2.43 प्लस दूसरा 2.75 प्लस 2.72 इज इक्वल टू 7.9 आता है। और इसके ऊपर हम डिवाइड कर लेंगे किस चीज़ को, 3 को। तो 3 को डिवाइड करेंगे तो 7.9 डिवाइडेड बाय 3 आंसर आ जाएगा 2.6 तक ले लेते हैं। ठीक हो गया, वैसे आगे जो है वो उसके साथ 4 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ तक हम फिर इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, 2.6 यहाँ तक लिख, बल्कि 4 लिख लेते हैं ताकि आपके 2.6 4 आ जाएगा। ठीक हो गया, अच्छा आगे जो है क्या चीज़ है, इसका स्केयर कर लेंगे। तो 2.64 का स्केयर कर लेते हैं, 2.64 मल्टीप्लाई 2.64 तो ये आपके पास आता है 6.9696। यानी इसको राउंड ऑफ करें तो ये तकरीबन कितना बनता है, 7 बनता है, ऑलमोस्ट 7 से थोड़ा सा कम है, मामूली सा। अब इसका एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो एक्सेलरेशन देखो हमारे पास कितना आया है, ऊपर 2s है, 2s कितना है, 2s है 100, 2s कितना है 100, 100 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो अब इसका आंसर कितना आता है हमारे पास, 100 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आंसर आता है 14.2। अच्छा, ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो किस चीज़ में, 50 क्या थे, मीटर थे या सेंटीमीटर थे, सेंटीमीटर थे। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, ऊपर डिस्टेंस हो जाएगा सेंटीमीटर में और टाइम हम ले रहे हैं सेकंड में, टाइम किस में ले रहे हैं, सेकंड में। तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी यूनिट। यानी अभी हमारे पास ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब हम दोबारा थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर लेते हैं, इसको आखिर में ग्राफ के ऊपर ड्रा भी कर लेंगे। तो वैल्यू हम 50 की बजाय अब ले लेते हैं 70। स्टॉप वॉच कहाँ पे हो गई, क्या ले लेते हैं, 70 को ढूंढते हैं, 70 हो गया।
ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया 3.31। फर्स्ट रीडिंग जो है, अब ये कितने पे छोड़ा है हमने, 70 पे है ना। yes, ये अब दूसरी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो गई सेकंड। अगले से थोड़ा नीचे लिख देते हैं, आगे हमने लिखा होगा सेकंड ऑब्जर्वेशन। अब डिस्टेंस हो गया 70, 70 का डबल करें कितना होता है 140, 140 हो गया। और टाइम इसको कितना लगा है, 3.1 फर्स्ट हमारे पास 3.1 सेकंड, 3.31। अब हम दो रीडिंग और ले लेते हैं टाइम की, ताकि इसी 70 को और कितना टाइम लगता है, अच्छा इधर को 70, ये 70 है, ठीक है 3.81। अब जो हमारे पास इसकी आ रही है 3.81, मैं इसको लिख लेता हूँ 3.81। अच्छा अगले पे आ जाते हैं, फिर दोबारा एक और वैल्यू ले लेते हैं, फिर 70 पे, थ्री पॉइंट थ्री वन, ठीक हो गया। फिर आपके पास आ गया 3.31। आप फिर इनकी क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। तो एवरेज के लिए क्या होता है, सम ऑफ द क्वांटिटीज बटा नंबर ऑफ क्वांटिटीज, चीज़ों को सब को जमा करें और जितनी तादाद है उस पर तकसीम करें। 3.81 प्लस 3.31, अच्छा पहला आगे पीछे जो मसला नहीं है, प्लस 3.31, तो ये आता है 10.43। कितना आता है 10.43 डिवाइडेड बाई, कितनी क्वांटिटीज हैं, 3 हैं, अगर इसको डिवाइड कर लें तो आ जाएगा कितना, डिवाइडेड बाई 3, तो ये आता है 3.4, ठीक हो गया। तो 3.4, अच्छा इसका अगर 3.4 का स्केयर हम कर लें, तो 3.4 का स्केयर 3.4 मल्टीप्लाई 3.4, तो ये बनता है आपके पास 11.5। कितना आता है 11.5। अब 11.5 के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं किस चीज़ को, क्या चीज़ था, 2s/t का स्केयर। 2s कितना है 140 डिवाइडेड बाई 11.5, ये आता है 12.17 कितना आ जाएगा, 7 को हम क्या कर लेते हैं, राउंड ऑफ करके प्रूव कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 12.2 cm/s² आ जाएगा। तीसरा हम ले लेते हैं, और आखिरी इसकी रीडिंग बस 3 रीडिंग लेते हैं। तीसरे नंबर पे हम इसको ले लेते हैं 110, ठीक हो गया 110। स्टॉप वॉच किधर होगी, यहाँ पे है, एक सौ दस, ये 100 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया 110 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास बनता है 4.43 आ रहा है। तो पहले अब ये आ गई हमारे पास कौन सी रीडिंग, तीसरे नंबर पे डिस्टेंस हमने ले लिया 110 का, इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, 220। और फर्स्ट इसको टाइम ही लग गया 4.43। अब दो रीडिंग और ले लेते हैं इसकी, उसी तरह सेम टू सेम जिस तरह पहले लिए थे 110 के ऊपर, फोर पॉइंट फोर जीरो। तीसरे और ले लेते हैं, 110 ये हो गया, 4.59।
4.59 आप इनकी ले देते हैं एवरेज, ठीक हो गया। एवरेज इन क्या करेंगे, तीनों को प्लस करके तीन पे डिवाइड करेंगे, तो पहले पहली वैल्यू क्या है 4.43 प्लस दूसरी वैल्यू क्या है 4.40 प्लस तीसरी वैल्यू क्या है 4.59, ये आंसर है 13.4 कितना रहा है 2, डिवाइड कर लेंगे 3 को तो इसका आंसर कितना आ रहा है इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास 4.47 यानी 4.5 आ रहा है 4.5। अच्छा 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो 4.45 यानी 4.5 का 4.5 20.25 ठीक हो गया। और एक्सेलरेशन अगर इसका ले लें तो हमारे पास क्या आ जा रहा है 2s कितना है 220 डिवाइडेड बाई पास क्या 20.25 ठीक है 10.86 बस 10.86 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है ठीक हो गया। अच्छा अब ज़रा इसके दरमियान क्या कर लेते हैं हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे ये ग्राफ पेपर पे मैं कर देता हूँ ठीक है, तो ज़रा नज़दीक से इस ग्राफ के ऊपर। अच्छा एक एक्सेस के ऊपर आपने क्या लेना है 2s की वैल्यू लेते हैं डिस्टेंस की और दूसरे पे हम क्या कर लेते हैं टाइम का स्केयर ले लेंगे। तो ये जो एक डब्बी एक स्केयर ये एक वैल्यू को ज़ाहिर कर रहा है लेकिन हमने चूंकि डिस्टेंस क्या है हंड्रेड्स में लिया हुआ है इसलिए हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे हम 20-20 का एक खाना ले रहे हैं यानी एक 20 का हो गया ये 20 का हो गया 40 और ये 60 का हो जाएगा ठीक है। तो इसको अगर हम 50 ले लें पहला हमने 50 लिया है तो 50 का डबल कितना हो जाएगा आप इधर रखें 50 का डबल 100 हो गया तो 100 कहाँ पे बनेगा ये हो गया 20 40 60 80 और 100 ये हो जाएगा 2s पहला 100। दूसरा हमने कितना अच्छा 100 पे कितनी वैल्यू थी उसकी 100 के ऊपर इसकी टी का जो स्क्वायर आ रहा है वो कितना आ रहा है 7 ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ठीक हो गया यानी यहाँ पे ये वैल्यूज आपके पास तकरीबन कहाँ पे यहाँ पे मिल रही हैं देखो ये वाली लाइन ले जाएंगे ऊपर और ये वाली इधर से ये क्या आ रहा है आपके पास डिस्टेंस है 2s और ये टी का स्क्वायर है टी का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा फिर दूसरी वैल्यू हमने ली है 70 पे तो 70 का डबल कितना हो जाएगा 70 का 140 तो 100 120 और ये हो जाएगा 140। तो अब 140 पे टाइम की वैल्यू हमारे पास टी का स्क्वायर कितना बन रहा है 11.5 से थोड़ा ज़्यादा था तो ये 10 और 11.5 से ज़्यादा ये 140 हो गया और ये हो गया 10 11.5 से ज़्यादा कोई तकरीबन इसके लगभग बनेगा ठीक हो गया। अच्छा और आगे जो है दूसरी वैल्यू तीसरी जो हमने ली है वो है 2s कितना हो गया 200। अब आपके पास ये जो 2s और क्या चीज़ है टी स्क्वायर के दरमियान रेशो है हम उसको क्या कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये रेशो कांस्टेंट आनी चाहिए, कांस्टेंट तब होगी जब आपके पास ग्राफ की लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए सीधी लाइन हो बिल्कुल। इसका मतलब होगा कि वाकई जो है हमारे पास क्या है ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं इशारे इधर से वो ठीक है ना। तो अब ये जो ग्राफ बनता है ये क्या है हमारे पास स्ट्रेट लाइन है यानी जब आपके पास डिस्टेंस जीरो हो तो टाइम भी जीरो होता है जो ही डिस्टेंस बढ़ता जाता है इसका मतलब क्या हो गया कि रोलिंग बॉल का जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या है 2s और टी स्क्वायर के दरमियान रेशो है जो कि कांस्टेंट है ठीक है। और इसका ग्राफ क्या है स्ट्रेट लाइन है ग्राफ क्या है ठीक हो गया।